पूर्वा आई छह कमरे मैंने यही रखा था हार घर का कोना कोना ढूंढो आखिर वो हार जा कहां सकता है हेलो हेलो आज जेठा भाई नु घर छे नहीं वैसे तो ये बापूजी का मतलब चंपकलाल गढ़े का घर है लेकिन टपू अभी यहाँ पर ही रहते हैं अरे दया गौरी तमे जो अरे आपने मेरी आवाज पहचान ली अरे आपकी आवाज तो पूरा हिंदुस्तान पहचानता है साची बात तो अरे हिंदुस्तान है क्या वो फॉरेन से रॉन्ग नंबर आता है ना वो लोग भी मेरी आवाज पहचान लेते हैं एक मिनट कहीं आपने कल शादी में आने का न्योता देने के लिए तो फोन नहीं किया और अगर आपने उसके लिए फोन किया है तो मुझे माफ करना क्योंकि हमारे बनेवीलाल है धीरू भाई उनके घर पर शादी है और कल हमें वहाँ पर जाना ही जाना है अरे दया गौरी मेरी बात तो सुनो नहीं 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 देखिए आपकी बात सर आंखों पर और मैं तो आपको भी कहती हूँ कि आपके घर पर शादी हो तो उसको कैंसिल कर दीजिए और बनेवीलाल के इधर शादी में आ जाइए अरे मैं बनेवी लाली बोल रहा हूँ सुबह करो छो मैंने बनेवी लाल को ही बनेवी लाल के घर पर शादी में आने के लिए न्योता दे दिया सॉरी मुझे पता है आपको कंकोत्री मिल गई है लेकिन मैंने सोचा कि पर्सनली आपको फोन करके इनवाइट कर दूं हाय हाय अरे बनेवी लाल कैसी बात करते हो अगर आपकी कंकोत्री नहीं मिलती तो क्या हम नहीं आता हम जरूर आते हैं अरे ये तो हमारे घर की शादी है और हम आपके सगे नहीं वाले भी हैं दोनों है सगे भी हैं आप वाले भी हैं आप तो देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं और टप्पू के पापा आरती की शादी में टाइम पर आ जाएंगे चलो जय जिनेंद्र दया भाभी बनेवीलाल ये कहाँ गए सब लोग अरे अबे तू क्या कर रहा है उधर ओ दादा हार ढूंढता था आरती का हाँ गुड ये परिवार वाले कहाँ गए वो हमको नहीं मालूम दादा तो जाकर ढूंढना पहले आप फिक्स करो ये हार ढूंढेगा ना उन लोग को ढूंढेगा हम ए ये हेलो अरे हम गोकुलनाथ सोसाइटी गए थे तुम्हारी शादी का इनविटेशन देने किसे मिलकर आए अरे वो डाया भाभी मेरा नाम डाया नहीं डाया है अपूर्व भैया उन्होंने हमें जो मान दिया हमारा सत्कार किया वो अविस्मरणीय है चलो हार ढूंढना बहुत जरूरी है मैं नहीं चाहता आरती शादी में मायूस दिखे अरे इसको अक्कल कम है यार ए तू क्या इधर ही ढूंढते रहेगा क्या डोंगा सा जरा इनसे पूछिए ना ये आप में क्या ढूंढ रहे हैं हार गैसा इन्हें समझाइए कि जिंदगी में हार की नहीं जीत की उम्मीद करनी चाहिए ये पाव किलो वो उस हार की नहीं सोने के हार की बात कर रहा है कढ़ाई सा बड़े भैया से क्षमा तो मांगिए हमें तो पता ही नहीं था कि वो सोने का हार पहनते हैं नहीं नहीं पल्लवी जी आप गलत समझ रही हैं हम स्वर्ण आभूषण धारण नहीं करते हैं और ना ही हमारी उसमें कोई रुचि है कड़छी सा अब तो पूछ ही लीजिए कि टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ हार ढूंढ रहे हैं क्या नहीं नहीं पल्लवी जी आप फिर गलत समझ रही हैं वो क्या है कि अपूर्व भैया ने कुछ ही समय पहले परिवार के सभी सदस्यों को बुला के एक बैठक का आयोजन किया और उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जिसका पालन हमें ईमानदारी से करना ये वागेला माथा ना उपसेला ढिंचा जी कहिए चुप कर अने अने पाछो गैस भाई इनसे कहिए कि आरती भाभी है ना उसका पुश्तैनी हार खो गया है और हम सबको मिलके उसको ढूंढने का है उन्हें अंकल को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए हम जी उंगली सा इनसे कहिए ठीक है
परेश जी, ये सुई धागा लेकर आप इस पतलून की सिलाई क्यों कर रहे हैं? देखो क्या है कि यही जेब के अंदर हम चोरी का माल रखता है, अंदर के पॉकेट में रहता है ना, तो अभी हम चोरी करना बंद कर दिया तो यही पॉकेट को सील दिया है। ये सुनकर हमारे हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए आपके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। क्या 40 घंटा का दिन है? मतलब आपके जीवन में आज एक ऐसा मोड़ आया है जहां आपने निश्चय किया है कि आप चोरी नहीं करेंगे, परंतु सुबह से आरती जी का वो खानदानी हार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं। एक मिनट इधर आओ। तुम कहना क्या चाहता है कि ओ हार हमने चोरी किया, हमारे ऊपर डाउट करता है साला, एक हार के अंदर किसी का कोई भी चीज घूमता है, इल्जाम उठा के हमारा सिर में रख देता है कि यही चोरी किया होगा, किसी का कमीज का बटन नहीं मिलता है वो भी हमारे सिर में इल्जाम देता है, किसी का किचन में चम्मच खो जाता है वो इल्जाम हमारे पर। चौमा जी जानता है आजकल हमने टेरेस के ऊपर जाना छोड़ दिया, मालूम है तुमको क्यों? अगला दिन चांद नहीं निकलेगा उसका बिल भी हमारे नाम पे फटेगा। यही आरती का हार हम चोरी नहीं किया है कसम। हाँ हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है साहब। हाँ चोर है ना हम, देखो तुमको जानना है हार किसने चोरी किया? हमने चोरी किया, ये देखो गले में पहना है। सुनना ले ये हरिराम इधर ही है। तो क्या सर, इनसे पूछिए ना, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि इन्होंने क्या वो हार चोरी वोरी किया है। ए पल्लवी, एक घर में जितना लोग है ना, तुम उनसे अलग नहीं है, तुम भी वैसा ही है, हमारे वो शौक करता है। हम एक बार तुमको बोल चुका है हम हार के बारे में कुछ नहीं जानता है, माँ कसम। पानी साहब ने मासा को गिरा दिया। बूढ़ी बाबा एक ही हम माँ का कसम खाया, माँ को चोट लग गया फिर से? नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ कसम। हम उठाते हैं। नहीं नहीं तू चिंता मत कर बेटी, मैं उठा कर रख देती हूँ। माँ कसम। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? टेबल सब पे बैठ जाइए बस आप। माँ कसम। ये क्या हो रहा है, हे भगवान, ऐसा कैसे होता है? हम माँ का कसम खा रहा है और माँ को चोट लग रहा है। हमने एक और प्रयत्न किया, पुनः हर स्थान पर ढूंढा, किंतु निराशा ही हाथ लगी। हम भी घर में जगह जगह ढूंढा, किधर भी हार नहीं मिला दादा। अंकल का कहना उचित है, अगर कोई वस्तु खो गई है तो वो मिलनी चाहिए, अन्यथा ये समझा जाना चाहिए कि उसे किसी ने उठा लिया है। क्या गला साफ कर रहे हो? सीधे सीधा पूछो ने, ये परेश अच्छे अच्छू बोल, हार खो गया है क्या तूने सुमड़ी में ऐसे? ए चुलिका, तुम क्या हमारे ऊपर शौक करता है? हाँ हम हार नहीं लिया है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? परेश अब बदल गया है, उसने चोरी करना छोड़ दिया है। अच्छा तो फिर खाओ माँ की कसम। नहीं, हम कसम नहीं खाएगा। काई को? हरिराम, ए हरिराम। आया मालिक। परेश अगर तुमने चोरी करना छोड़ दिया है और तुमने हार नहीं चुराया है तो खाओ ना माँ की कसम। ना ना माजी, आप कुछ भी बोलिए, माँ कसम हम नहीं खाएगा। तुम्हें कसम खानी होगी। कंगन साहब इनसे पूछिए ना कि कसम क्यों नहीं खा रहे हैं। आप लोग हमको जिसका कसम खाने को बोलेगा हम खाएगा, किंतु ये माँ का कसम हम नहीं खाएगा। इसके लिए माँ का कसम नहीं खाता ना, क्योंकि तेरे अंदर चोर है। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक बेटा है, क्योंकि हम जितनी बार माँ का कसम खाता है माँ को कुछ ना कुछ चोट लगता है।
पूछो पल्लवी को, सुबह में हॉल में अम्मा का कसम खाया गिरा माँ? हाँ। उसके बाद ए माँ का पैर के ऊपर में फ्लावर पॉट गिर गया, उसके बाद घुटना में टेबल से चोट लगा, पूछो। उसके बाद वो फ्रूट बॉल गिरा, उसके बाद में हमारे कमरे में हाथ में सुई चुभ गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यही माँ से हमारा दिल का रिश्ता जुड़ गया था। इतना छोटा सा था हम जब हमारा माँ हमसे बिछड़ गया, उसके बाद हम यही फैमिली में आया तो हमको यही माँ मिला। हमको मालूम था कि हमारा दिल का कीमत तुम लोग नहीं समझ सकते। अदा भी ना इससे रख देते। हार मिल गया अपूर्वा अंकल, हार मिल गया। परेश, मैं इन सब की ओर से माफी मांगता हूं। नहीं दादा, अभी बहुत हो गए, अब हमको एक घर में नहीं रहना। परेश, अब मैं तुझसे कहती हूं, खा मेरी कसम, ठीक है, हम एक मां का कसम खाता है कि हम वो हार नहीं चुराए। देखो लगा, खुश खबर है। समझी जी, मैं यहाँ गिर रही थी और आप कह रहे हो कि खुश खबर? नहीं नहीं, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन एक बहुत ही खुश खबर है। क्या हुआ क्या? लेकिन सर, हार मिल गया। हार मिल गया, भगवान कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया, कहाँ कहाँ ये हार? आरती के कपड़ों में कहीं दबा हुआ था, बस मिल गया। अच्छा, चलिए चलिए, शादी नजदीक आ रही है, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए प्लीज। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, ये एक नंबर हॉल में, हॉल में ये मंडप में, जल्दी जल्दी, और ये दो नंबर सोफा बेडरूम। ए तू इधर जा रही है, इधर इधर, ये क्या है? क्या हुआ ये? अरे वो लिफ्ट दे रहे थे ना तो मैं आ गई। अबे तुझे मैंने फोटोग्राफर के बारे में कहा था, वो उसका क्या? वो कल सुबह ठीक 7 बजे पहुंच जाएगा शादी के पहले, पंकज ने उसको बोल दिया। इधर रखने को। मदर इंडिया क्या कर रही है? चंदन जी, चेक कर रही थी, चेक कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, कम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कम तो बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। देखिए, मेहरबानी करके केटरर को बता दीजिएगा कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, लोग जो है यहाँ से भरपेट खा कर जाने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए समधी जी, हम सबके घर पे फोन कर करके कह देंगे कि घर से थोड़ा थोड़ा खा कर ही आए। सॉरी, अच्छा मजाक कर लेती है आप। पंकज ने केटरर से बात कर ली है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए अंकल। लड़की वाले हैं, चिंता तो होगी ना। लो एक और चिंता। अरे हटो भाई, अरे चोरी नहीं लगाई अभी तक, ये क्या हो रहा, मंडप में क्यों नहीं? अरे कहाँ गया डेकोरेटर, ये चोरी का काम कौन करेगा? बाबा अंकल जी, चोरी का कुछ काम है तो हमको बोली ना, हम करेगा। अरे तुम्हें आता है चोरी का काम? आता है अंकल जी, हमको चोरी का काम इतना परफेक्ट आता है कि ए हाथ से करेगा तो ए हाथ को मालूम भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, इसमें तो दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि साथ साथ घड़े हैं और इन हाथों को एक एक स्तंभ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके चोरी कम्प्लीट हो जाएगी। यही चोरी का काम अंकल जी, यही चोरी का काम तो ए लोग को करने दीजिए, ए परफेक्ट करेगा। तुमने कहा ना तुम परफेक्ट कर सकते हो। हम कहा, किंतु पीछे से हम क्या सोचा कि अगर यही काम हम करेगा तो यही लोग के पेट पे लात पड़ेगा अंकल जी, ऐसा हम क्यों करेगा? वाह शाबाश, उच्च विचार परेश, उच्च विचार। विचार का क्या आचार डालेगा, हमारा पेट में ही लात मार दिया। क्या बोला? ना ना अंकल जी कुछ नहीं, हम इंतजाम देख के आता है उधर में। करो करो। अरे भाभी जी आइए आइए, प्लीज आइए आइए आइए, आई एम फाइन। अरे आप अकेले ही आए, आपकी फैमिली कहाँ है? जी आए हैं, आइए भाई आइए। कहाँ? आओ भाई आओ, नमस्ते नमस्ते, अच्छा नमस्ते नमस्ते,
नमस्ते। अच्छा पहुंच गया, एंड आ गया भाई। कमाल, दो मिनट में आया। अरे राजू इधर। जी जी अंकल। ये मेहमान आए हैं, हाँ? उनको उतार पे ले जाओ। मैं आइए, मैं आपको ऊपर पहुंचा देता हूँ। ये एक मिनट रुकिए रुकिए, क्या करना है? ऊपर पहुंचा देता हूँ। मेहमानों से कोई इस तरह से बात करता है? ऊपर पहुंचा देता हूँ, तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे पंकज, पंकज इधर आओ। मैं क्या, कहाँ गया? इधर आओ। देखो बेटा, ये हमारे मेहमान हैं, शादी के लिए आए हैं, इन्हें उतारे पे ले जाओ। जी अवश्य। प्रणाम। आप सभी सज्जनों से विनती है कि अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दें और अपने चरणों को एक के पश्चात एक धीमी गति से आगे बढ़ाएं। एक मिनट, एक मिनट बेटा, इस गति से चलोगे तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ शादी आज ही है, चलो फटाफट बेटा, फटाफट। जी शीघ्र आइए। बंगाली दादा, ये लड़कियां हंस क्यों रही हैं? मालूम नहीं दादा। हैं कौन ये? दादा ये आरती की सहेलियां हैं। सहेलियां यानी के सालियां? ये सालियां हंस क्यों रही हैं? मैं बताता हूँ, लड़कियों की सालियां क्या? अब शब्द इस्तेमाल कर रहा है, करती हो अंकल? मॉडल सालियां, अब शब्द इस्तेमाल कर रहा है। नहीं सर, वो रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट? जी ये जो सहेलियां हैं आरती की, वो आरती की बहनों जैसी हैं। सो यू सी, आरती की बहनें मेरी तो सालियां हुई ना। सालियां तुम्हारी हुई, इसकी थोड़ी ना हुई। हट, हट। तुझे भी समझ में आता, लड़कियां देखी वहां पे, तू भी हाथों के पीछे पड़ जाता। चल जा। Excuse me, girls. Hi, hi, hi. आरती को देखा? क्या बात है जीजू, बड़े बेसब्रे हो रहे हो। आपके दिल की धड़कन ऊपर कमरे में है, जाइए जाइए। नहीं नहीं, वैसे मैं तो यूं ही पूछ रहा था, ऊपर जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बहुत काम करना है मुझे। ठीक है जीजू, हम आरती से कह देंगे कि जीजू बहुत बिजी है और वो आपको नहीं मिल पाएंगे, तो आप इंतजार मत करना। सुना क्या? सुना। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। अरे वाह जीजू, कितने करीब आए हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे तो कह रहे थे कि बहुत बिजी है, बड़े जल्दी फ्री हो गए। हाँ बिजी तो था ही, ये शायरी जो लिख रहा था। कौन सी शायरी? ये तो किसी मूवी का गाना है। हाँ पता है ना तुम लोगों को, तो फिर हेलो, नमस्ते। नमस्ते नहीं समझते, इसका मतलब है निकलो। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और तो कोई छुपा नहीं है ना अंदर। हो चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चलो दिलदार चलो चांद के पास। चलो 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 अपूर्व, बहुत हो गया, क्या तुम चोरी की शायरी सुना रहे हो? अच्छा ओरिजिनल सुनो। तुम बिन जीवन कैसे बीता? अपूर्व एक तो पहले से मैं बहुत टेंशन में हूँ और तुम ये सब। हेलो क्या टेंशन, किस बात का ले रही हो तुम? शादी का टेंशन। आह यू नो ऐसे लग रहा है जैसे एग्जाम है, वो होता है ना एग्जाम से पहले नर्वसनेस, मैं वो फील कर रही हूँ। और ये एग्जाम तो ऐसी है जिसमें कोई चीटिंग भी नहीं कर सकते। ज़्यादा और क्या चीटिंग हो सकती है? क्या चीटिंग? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तुमने कोई चीटिंग की है? अरे बताओ। हाँ क्या? तुमसे चोरी चोरी प्यार करता था और ये बात मैंने तुमसे छुपा के रखी, तो वो चीटिंग हुई ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारी लव मैरिज है या अरेंज? लव नहीं अरेंज। लव मैरिज। अरेंज। लव अरेंज। लव बेबी। कैसे? लव मैरिज में तो रोमांस होता है और रोमांस तो दूर की बात है, तुमने तो मुझसे आई लव यू भी नहीं कहा। इनफैक्ट वही कहने के लिए आया था, आई लव यू। हाँ
I love you. क्या? सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया, लेकिन इसमें रोमांस नहीं था. You want romance? Okay. I love you. क्या ये कैसी बैठ लगाई थी तुमने? सॉरी नहीं, अभी तुम्हें सबके सामने मुझे आई लव यू कहना पड़ेगा. हाँ क्या सबके सामने? यस सबके सामने तुम्हें आई लव यू कहना होगा, वो भी रात को 12 बजने से पहले, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर. अरे अपूर्वा, लेकिन हेलो, सबके सामने रात को 12 बजने से पहले आई लव. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.